सर्वप्रथम तो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देता हूँ। पत्रकार साथियों का, मीडिया के साथियों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ इस कार्यालय प्रांगण में और उम्मीद विश्वास और भरोसा करता हूँ इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से लगातार स्टूडेंट के हितों की लड़ाई लड़ती रही है, स्टूडेंट के हितों के लिए हर संभव प्रयास इन्होंने किए हैं, निकट भविष्य में भी उसी तरीके से इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विद्यार्थियों के हितार्थ हर उस संघर्ष से जूझने का काम करेगी और उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। रश्मि जी, एक अजय सिंह जी, एक सवाल है कि एक सोनीपत में उपचुनाव आ रहा है बड़ौदा, उसको लेकर क्या आप देखते हैं, क्या लगता है कि आपका गठबंधन जो है बिना किसी दिक्कत के इसको पार कर पाएगा? बिना किसी दिक्कत के हम राज चला रहे हैं, बिना किसी दिक्कत के इसी तरीके से निकट भविष्य में आने वाले चुनाव को हम आपस में जिस तरीके से जेजेपी और बीजेपी गठबंधन का विरोध किया जा रहा है और जो विरोध कर रहे हैं वो कम से उसी एक इलाके के बड़े लोग हैं और उनका एक होल्ड रहा है लंबे समय से, तो क्या लगता है कि जेजेपी और बीजेपी अपना प्रत्याशी को बताएं कि वो कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस कह रही है कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन वो गलत है और जो है चुनाव में तो कांग्रेस का तो काम है, ये तो ये कह रहे थे कि ये 10 दिन की सरकार नहीं चलेगी, ये गठबंधन नहीं चलेगा, ये बेमेरा गठजोड़ है, ये पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं और आप निरंतर देख रहे हैं सरकार बड़ी स्मूथ सहयोगी के साथ मिलकर के काम कर रही है। अजय सिंह जी, आपने कहा था कि इनेलो जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है, इस पर अभय सिंह चौटाला जी ने उस पर प्रतिक्रिया दी है कि कुनबा बढ़ता जा रहा है खत्म होने की जगह, क्या कहेंगे? जिन लोगों को बीएसपी स्वयं नकार चुकी, ऐसे निर्लिप्तिक लोग आज संगठन से जुड़ने का काम कर रहे हैं तो मेरे को समझ नहीं आता वो कौन सा आधार बढ़ रहा है। और भविष्य में होने वाला चुनाव इस बात को साबित कर देगा। मतलब आपके कहने के मतलब जो शामिल हो रहे हैं उनका होना ना होना फिलहाल बराबर है? आधार कहीं है तो बताइए, पहले चुनाव में कहीं उनका कोई आधार धरातल पे आपको दिखाई दिया हो तो बताएं। जी तो ओम प्रकाश चौटाला जी कह रहे हैं कि जेजेपी के बारे में कि इनेलो का कुंभा बढ़ रहा है और जेजेपी के बहुत सारे लोग जो है वो इनेलो के टच में है, क्या कहना है? वो तो पुराने साथी हैं, उनके संघर्ष के टच में तो निश्चित तौर पे होंगे और बढ़ कहाँ रहे हैं, दूर जा रहा है, कोई मेरे संपर्क में खासकर बोलना चुनाव को लेकर उनका कहना है कि इनेलो का वो गढ़ रहा है और जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है मुख्यमंत्री को भी उन्होंने चैलेंज किया चुनाव में इनेलो को वहाँ पे कितने वोट मिले थे पहले तो वो पता लगाने और जेजेपी को कितने मिले थे इस बात की तसल्ली कर रहे, साथ में ही जींद में उपचुनाव हुआ था उसका भी आप पता लगा और निकट भविष्य में फिर चुनाव आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह नोटा से भी कम वोट मिले उस तरह के हालात होते हैं। जी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में इन सब का पैटर्न हम देख रहे हैं किस तरीके का है, प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियों की बात की जा रही है, उसको लेकर तो अब आगे क्या रहने वाला है इन सब की तरफ से, क्योंकि प्रदेश का तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन कब खत्म होता है, तब कोरोना से हमें निजात मिलती है, स्टूडेंट्स बहुत परेशान है और मैं तो सरकार को बार बार ये आग्रह कर रहा हूँ कि जो थर्ड ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको भी रियायत मिलनी चाहिए जैसे दूसरों को मिली है। और आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई यही है, स्टूडेंट्स को इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में जो दिक्कतें जो वो आ रही है
हम सरकार का हिस्सा है, सरकार के साथ करके उनको दूर कर उसके लिए हमने प्रयास, बाकी ये सारी चीजें इलेक्शन और ये सब सेकेंडरी है, अभी तो प्रैक्टिकली वहां कोई जा ही नहीं पा। दिग्विजय जी, जो दूसरे छात्र संगठन है, इन्होंने लगातार सरकार से मांग की, ये कहा कि एग्जाम नहीं होने चाहिए, उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि फाइनल के एग्जाम होंगे, बाकी के एग्जाम नहीं है। इस बात के लेकिन आप इन की क्या मांग है कि फाइनल एग्जाम भी नहीं? एक जो मांग जो सरकार ने किया है कि दूसरे प्रदेशों के जो लोग हैं उनको तो पास कर दो, और जो मैं कह रहा हूँ कि किसी के लिए भी सभी को यूनिफॉर्म इसे देखना चाहिए, फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं होने चाहिए, मेरी भी ये सरकार से मांग है और इसकी भी जो है बात हम सरकार से कर रहे हैं निरंतर। दुष्यंत जी भी इस बात के पक्ष में, इनसो आज सरकार के साथ है, जिस तरीके से जनता के साथ जुड़कर चल रही है, जो मांग अब अमूमन हम देखते थे कि इनसो करते नजर आती थी, चाहे छात्र संघ चुनाव को हो या जिस तरीके से अभी आपने मांग की, क्या आपका रवैया जो है वो सॉफ्ट नहीं होगा छात्रों की लड़ाई के लिए? मैं इसको बड़ी सहजता से आज दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर ये कह रहा हूँ कि इसके लिए हमें चाहे सरकार से बात करनी पड़े, दुष्यंत जी के माध्यम से इसको अंबीजामा पहनाना पड़े, मैं इस बात पूरी स्पष्टता से कह रहा हूँ कि थर्ड ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की जो दिक्कत है वो दिक्कत उनकी नहीं, हमारी दिक्कत है और उसको हम दूर करवा इसमें केवल मांग के तौर पर ही रहेंगे या फिर अगर नहीं माना गया तो आप सड़कों पर भी दिखाई दे तो ऐसी नौबत आएगी। अकेडमिक कैलेंडर जो है नया जो आएगा उसके बाद स्पष्ट होगी चीजें जी, लेकिन जो छात्र संगठन के चुनाव आना की महामारी से इस वक्त हम जूझ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, अभी तो हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, वो हालात ही नहीं है कि स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में वापस जा पाए, वो तो बहुत बात की बात है, जब एग्जाम ही नहीं हो रहे तो उसकी अभी चर्चा ना करें तो बेहतर है। अभी तो जो दिक्कत है एग्जामिनेशंस को लेकर के, ऑनलाइन सिस्टम को लेकर के, इस व्यवस्था को लेकर के जो दिक्कत है उस पर हमारा स्टैंड स्पष्ट है, कार्यालय खुल चुका है, किस तरीके से उसकी वर्किंग आगे देखने के लिए मिलेगी। डॉक्टर अजय सिंह जी के कर कमलों और सरदार निशान सिंह जी के सहयोग से आज जो सेंटर ऑफ जो पॉलिटिकल आपका ये अरीना है, इसमें हमें इतना भव्य जो हमें एक दफ्तर दिया, तो निश्चित तौर पर इनसो की जो पहचान अपनी रही है उसको हम दुगुना करने का, उस ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे, अपने संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं आप सबकी मौजूदगी में विश्वास दिलाता हूँ कि हम पंजाब में भी, वेस्टर्न यूपी में भी, राजस्थान में भी और दिल्ली में भी और मजबूती से अपने संगठन को खड़ा करेंगे। पहले हमारा सेंट्रल दफ्तर जो है वो दिल्ली में हुआ करता, अब ये सेंट्रल दफ्तर चंडीगढ़ से चलेगा और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि चंडीगढ़ में हम सदैव से मजबूत रहे हैं, यहाँ से ये दफ्तर इस संगठन के लिए और ताकत बन गया। आज जो घर बैठे स्टूडेंट है वो अपने आप में आगे क्या परीक्षा का क्या होना है, उनके जो कॉलेज के आगे की पढ़ाई का क्या रहना है, कई सवाल है इनसो क्योंकि सरकार के साथ भी है और अपने आप में आप छात्रों की लड़ाई को काफी आगे लेकर चले हैं, ऐसी स्थिति में कोई हेल्पलाइन नंबर या आपसे संपर्क घर बैठे छात्र कैसे कर सके उसका कोई प्रबंध? मैं निरंतर जो आज के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी है उससे, उसके माध्यम से जो हमारे साथी हैं उनके संपर्क है, और वो जो साथी जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, हल्का लेवल पर, वो निरंतर सभी साथी जो है वो स्टूडेंट्स के टच में, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो, चाहे फोन के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, तभी मैं कह रहा हूं कि जो भी आज के दिन, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, किसी की कोई समस्या है तो वो हमें सीधा संपर्क कर सकता है हमारे सारे पोर्टल्स पर, या यहां तक कि स्वयं अगर कोई व्हाट्सएप भी मुझे करता है तो उसको भी हम गंभीरता से लेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है, आज एक अखबार में एक इंटरव्यू में चौटाला साहब ने कहा है कि हम तो परिवार को मैं तो जोड़ने की कोशिश कर रहा था, अभय सिंह ने यह आश्वासन दिया था कि मैं विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा लेकिन परिवार एक साथ रहे, मैं राज्यसभा चला जाऊंगा या विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, और चौटाला साहब कह रहे मेरे सामने अजय सिंह और अभय सिंह दोनों थे, लेकिन अजय सिंह को ये लग रहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा और मेरे बेटे पीछे ना रहे, इस वजह से ये उन्होंने पहले से मन बना लिया था अलग होने का। आधारित बातों का कोई मतलब नहीं है, पहले तो ये बताएं कि इन्हें वो स्थिति में थी कि आप राज्यसभा में जा सके, इनेलो के पास तो 20 विधायक इस पोजीशन में नहीं थे तो राज्यसभा में कैसे जाएंगे। दूसरी बात, अगर चुनाव ही नहीं लड़ना था उनको एमएलए का तो फिर क्यों लड़े, इन बातों का कोई मतलब थोड़ा ही है, किसके सामने क्या बात हुई क्या नहीं हुई, और कौन लोग थे वहां पर,
सर जो बड़ौदा का चुनाव है उसको लेकर के कुछ चर्चाएं प्रदेश में हुई भी है, क्योंकि दिग्विजय जी भी साथ बैठे हुए हैं कि आने इस उपचुनाव में दिग्विजय जी को भी उतारा जा सकता है। निर्णय पार्टी में एक व्यक्ति विशेष ही करता, सारे साथी करेंगे, हालात के मुताबिक करेंगे, जन नायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है, उनकी नीतियों पर चलती है, जिस तरह से वो निर्णय करते थे उसी तरीके से। तो उम्मीदवार तो गठबंधन का ही होगा, गठबंधन का ही होगा। मैंने आपसे पहले यही कहा है कि मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी लड़ेंगे तो मैं अपनी एप्लीकेशन दाखिल कर दूंगा। एक बात इंसो के बारे में कहना चाहूंगा कि दिग्विजय जी की अगुवाई में इंसो ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए और संघर्ष भी किया। छात्रों आवण अंशन पे भी बैठे आप होते ही साथी, तो हमें फखर है नौजवानों पे इनकी अगुवाई के अंदर ये बढ़ चढ़ के काम करेंगे, और जैसे उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में भी इंसो को स्थापित करने का काम करेंगे। हमें जहाँ बधाई देता हूँ इनको इस दफ्तर के उद्घाटन पे, धन्यवाद करूंगा डॉक्टर अजय सिंह दाला जी का, उन्होंने अपने कर्मों से किया है, और उम्मीद भी करूंगा कि हमारा जो छात्र संघ है ये बहुत ही बुलंदियों में जाने का काम छात्रों की लड़ाई। मैं सभी का विशेष तौर पर डॉक्टर अजय सिंह जी का, जो ना केवल हमारे प्रेरणा स्रोत है बल्कि इस संगठन ने जिसमें हमें काम करने का लंबे अरसे से मौका दिया है, उसकी संस्थापक हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी का, और विशेष तौर पर डॉक्टर अजय सिंह जी के संघर्ष के साथी और इंसो के प्रदेश के प्रभारी प्रोफेसर अमीर जी का, इंसो के स्टेट प्रेसिडेंट प्रदीप देसवाल जी का, और मेरी पूरी टीम का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। मीडिया के साथियों का, आपने हमें आकर के कवर किया, इस शुभ अवसर पर आप भी इस खुशी में शामिल हुए।